आज एमसीक्यू उसका क्लास है, तो देखें बीएससी क्या कहता है। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज्ड बाय कंपनीज हो प्रोड्यूस, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड है वो कंपनी इस्तेमाल करते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, सामान बनाते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का क्या मतलब है, यानी एक जैसे प्रोडक्ट। जिस तरह फॉर एग्जांपल सीमेंट बैग्स है, तो सीमेंट बैग सारे एक जैसे होते हैं। फ्लोर मिल में जो हम फ्लोर बैग बनाते हैं, इस तरह शुगर मिल में जो हम शुगर बैग बनाते हैं वगैरह, तो ये जो एक जैसे यूनिट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाते हैं या बोल, तो प्रोसेस कास्टिंग मेथड वो कंपनी इस्तेमाल करते हैं जो होमोजीनियस यानी एक जैसे यूनिट, एक जैसे प्रोडक्ट वो बनाते हैं। जॉब कास्टिंग यूज बाई दोज हो प्रोड्यूस, जॉब कास्टिंग जो मेथड है वो कंपनी इस्तेमाल करते हैं जो वो प्रोडक्शन करते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट, हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट या ना। तो ये जो हेट्रोजीनियस जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाते हैं, वन प्रोडक्ट वन यूनिट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर यूनिट, तो देयर वी यूज जॉब कॉस्टिंग मेथड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। सो हेट्रोजीनियस यानी प्रोडक्ट बनाने के लिए हम जॉब कॉस्टिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं। 84 फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डिक्रीज्ड बाई, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में डिक्रीज आता है बाई किस के जरिए, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के जरिए। जब यानी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में कमी आती है किस, यानी फिनिश गुड्स कम किया जाता है किस तरह, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री के जरिए और रॉ मटेरियल के जरिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के जरिए। तो फिनिश गुड इन्वेंट्री में यानी दो तरीके से कमी आ सकती है। एक तो ये कि जब नुकसान हो जाता है, जब नुकसान हो जाता है फिनिश गुड्स यानी ज़ाया हो जाते हैं, तो फिनिश गुड इन्वेंट्री कम की जाती है। और दूसरा जो रीज़न है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स, जब हम सामान फरोख्त करते हैं तो फिनिश गुड इन्वेंट्री में यूनिट में कमी आती है, वर्क इन प्रोसेस और रॉ मटेरियल, इसकी वजह से इसमें डिक्रीज नहीं आती, बल्कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वजह से जब हम सामान फरोख्त करते हैं तो हमसे सामान चला जाता है, फिनिश गुड इन्वेंट्री में कमी आती है। तो ये सी किया है फिनिश गुड इन्वेंट्री डिक्रीज बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट रिसीव्ड यूनिट्स 40,000, 40,000 यूनिट्स ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट में ने वसूल कर लिया, यानी प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से। अब इस 40,000 में से ट्रांसफर आउट 25,000, 25,000 यूनिट्स यानी ये कम्प्लीटली यानी प्रोड्यूस हो गए, मैनुफैक्चर हो गए, कम्प्लीटेड यूनिट है। एंड 15,000 स्टिल इन प्रोसेस, और 15,000 किया है ये स्टिल इन प्रोसेस है। अब इस 15,000 में से क्या कहता है, एज 50% कम्प्लीटेड, ये जो 15,000 है इस पे 50% काम हुआ है, 50% प्रोसेस हुआ है यानी, और 50% बाकी है। तो फिर क्या कहता है, हाउ मच यूनिट्स स्टिल इन वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, तो वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री में कितने यूनिट यानी स्टिल प्रोसेस है। तो देखें ये जो यानी 15,000 है इसमें यानी 50% काम हुआ है, 50% यानी हाफ इसमें फिनिश गुड्स है, इसमें क्या है हाफ फिनिश्ड गुड्स है, और 7,500 और हाफ किया है ये वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री में है, इस पे काम बाकी है। तो 5,000, 6,000, 7,000, 7,000 एंड 500, तो ये जो डी ऑप्शन है वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री में स्टील 7,500 यूनिट और स्टील इन वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री। फिर कहता है 86 प्रोसेस कॉस्टिंग इज सूट फॉर, यानी प्रोसेस कॉस्टिंग जो मेथड है ये सूट है, ये सूटेबल है, ये मुनासिब है, ये बेहतर है किसके लिए, सीमेंट फैक्ट्री के लिए जहाँ पर हम यानी सिमिलर प्रोडक्शन करते हैं, शुगर मिल के लिए या बहुत, तो सीमेंट फैक्ट्री और शुगर मिल ये होमोजीनियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, मैनुफैक्चर करते हैं, तो दोनों के लिए क्या है यानी प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड ये सूटेबल है। जॉब कास्टिंग इज सूट फॉर, जॉब कास्टिंग जो मेथड है जहाँ पर हम डिफरेंट यूनिट यानी प्रोडक्शन हम करते हैं, तो ये सूट है, मुनासिब है किस बिजनेस के लिए, कौन से बिजनेस के लिए, फ्लोर मिल है,
फ्लोर मिल में हम एक जैसे प्रोडक्शन करते हैं, इसके लिए सूटेबल नहीं है। शुगर मिल में भी हम एक जैसे प्रोडक्शन करते हैं। फर्नीचर शॉप, फर्नीचर कंपनी, फर्नीचर फैक्ट्री, तो इसमें हम मुख्तलिफ किस्म के यानी प्रोडक्शन करते हैं। हर कस्टमर के लिए हम अलहदा अलहदा ऑर्डर हम कस्टमर से लेते हैं और उसी ऑर्डर के मुताबिक, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हम प्रोडक्शन करते हैं। तो जॉब कास्टिंग मेथड इज सूट फॉर फर्नीचर शॉप, फर्नीचर फैक्ट्री और फर्नीचर कंपनीज। बेच कास्टिंग इज सूट फॉर, बेच कास्टिंग जो मेथड है जिसमें हम ग्रुप में हम प्रोडक्शन करते हैं, बेचिस में हम प्रोडक्शन करते हैं, फर्नीचर शॉप, शुगर मिल, शूज़ कंपनी। तो शूज़ कंपनी में हम जो प्रोडक्शन करते हैं, जो जूते बनाते हैं, वो ग्रुप में हम बनाते हैं, तो इसके लिए किया है बैच कास्टिंग सूट है। विच कास्ट इज इंक्लूडेड इन बोथ प्राइम कास्ट एंड कन्वर्जन कास्ट, ये कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, यानी ये आसान है, इंतहाई आसान है कि हमारे पास एक जो एलिमेंट ऑफ कास्ट है वो कौन सा एलिमेंट ऑफ कास्ट है जो प्राइम कास्ट में भी है और कन्वर्जन कास्ट में भी है। तो देखे यानी जो प्राइम कास्ट में है वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये है, और जो कन्वर्जन कास्ट में है, कन्वर्जन कास्ट में डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो कौन सा कास्ट है जो दोनों में है, तो डायरेक्ट लेबर यहाँ पर भी है, डायरेक्ट लेबर यहाँ पर भी है, इसका ये मतलब है डायरेक्ट मटेरियल कास्ट, डायरेक्ट लेबर का फैक्ट्री ओवरहेड। तो डायरेक्ट लेबर कास्ट बोथ इंक्लूडेड इन प्राइम कास्ट एज वेल एज इन कन्वर्जन कास्ट। फिर कहता है 90 प्राइम कास्ट आल्सो कॉल्ड, ये इम्पॉर्टेंट यानी ऑब्जेक्टिव है, प्राइम कास्ट के जो यानी दूसरे नाम है वो क्या है, प्राइम कास्ट को कहते हैं प्राइमरी कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट, फ्लैट कॉस्ट ऑल। तो प्राइम कास्ट को प्राइमरी कास्ट भी कहते हैं, बेसिक कास्ट भी कहते हैं, फ्लैट कास्ट भी कहते हैं। तो ये सारे प्राइम कास्ट के नाम है, तो ये क्या है, ये ऑल है, ये सारे प्राइम कास्ट के लिए हम यानी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है ये कुछ यानी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में। तो देखे 91 परचेजेस रुपीज 10,000, हमने परचेजेस किए हैं, कितने हमने परचेजेस किए हैं, 10,000। फिर हमारे पास है यानी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास वो यानी 15,000 है, और एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, ये 70,000 है। फाइंड द अमाउंट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक, तो इसमें हम कुछ यानी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, देखे हमारे पास यानी जो तरीका है, जो फॉर्मेट है यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, उसके मुताबिक हम ये यानी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हम ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास है वो 10,000 है इस तरह, इसके साथ हम जमा करते हैं यानी ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 15,000 है, इसके साथ हम परचेजी जमा करते हैं, ये 10,000 आ गए 10,000। इसके बाद है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी ये टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये 25,000 आ गए। फिर इससे हम माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, हम माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस यहाँ पर नहीं है, और फिर कहता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये बैलेंस कितना है, ये 70,000 है। तो ये आसान है, 70,000 यहाँ पर, 25,000 से यहाँ पर हमने एक फिगर यानी माइनस किया है, तो 17,000 आया है। तो 25 और 17 में जो डिफरेंस है यानी कितना है, ये 8,000 है। तो क्लोथिंग स्टॉक का बैलेंस कितना है, 6,000, 7,000, 8,000 या नन, तो ये 8,000 है। इस तरह हम ये कैलकुलेशन करेंगे। फिर कहता है 92 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज रुपीज 50,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज कितना है, यानी 20,000 अमाउंट ऑफ सेल। ये आसान है, यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ये 50,000 है, और इसके साथ जब हम ऐड करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ये 20,000 है। तो टोटल यानी सेल्स, टोटल सेल्स कितना आता है, 70,000
70,000। तो देखें 70,000 है, 10,000, 20,000, 50,000 और 70,000। तो ये 70,000 कितना है अमाउंट ऑफ सेल, 70,000। फिर कहता है ओपनिंग स्टॉक इज रुपीज 20,000, ओपनिंग स्टॉक 20,000 है, क्लोजिंग स्टॉक इज 30,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000 है, एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 1,20,000, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है वो 1,20,000 है, अमाउंट ऑफ परचेजेस, यानी जो परचेजेस का जो अमाउंट है वो कितना है। तो ये भी आसान है, यानी ये हम इस तरह प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखें ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक इसके साथ हम परचेजेस जमा करते हैं, परचेजेस तो ये आएगा टोटल, टोटल आएगा, फिर इससे हम माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, हम माइनस करते हैं और फिर हमारे पास फिर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी ये सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसने बताया है कि ये 1,20,000 है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,20,000 है, और जो क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 और ओपनिंग स्टॉक 20,000, क्लोजिंग स्टॉक ये 30,000 है और ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये कितना है, ये 20,000 है। अब ये आसान है, यहाँ पर एक फिगर है, इससे जब हमने 30,000 यानी माइनस कर लिया, डिडक्ट कर लिया, तो 1,20,000 आ गया, तो ये माइनस हुआ है, तो ये इसके साथ फिर हम वापस जमा करते हैं, तो 150,000 इस तरह, फिर 150,000 यहाँ पर एक डिजिट यहाँ पर मिसिंग है, या ये भी मिस है, तो इसके साथ 20,000 के साथ जब हम एक फिगर जमा करते हैं तो यह कितना आता है 1,50,000, तो 1,50,000 और 1,20,000 में हम फर्क करते हैं, तो ये 1,30,000 डिफरेंस है इसमें। तो परचेजेस हमने कितने कर लिया है, 1,30,000, देखें इससे दिया है 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000, 1,40,000, तो परचेजेस का जो अमाउंट है वो है 1,30,000। इसके बात है, यानी ये क्वेश्चन है, देखे 94, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज रुपीज 50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो 50,000 है, एंड जीपी ऑन कॉस्ट इज 20,000, जो जीपी है कॉस्ट पर वो 20% है। अब किया है फाइंड सेल्स एंड जीपी टोटल, सेल्स भी बताए और ग्रॉस प्रॉफिट भी टोटल बताए, 20,000, 30,000, 40,000, 10,000, 60,000, 10,000 और 9, तो ये हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये आसान है, तो देखें यानी 50,000 कॉस्ट है, 50,000 कॉस्ट है और इसमें हम 20% कमाते हैं, तो ये आसान है, जब 20% हम कमाते हैं तो 2.10, ये 10,000 हम ग्रॉस प्रॉफिट हम कमा लेते हैं, जब हम 10,000 ग्रॉस प्रॉफिट कमा लेते हैं तो हम इसके इसको कॉस्ट के साथ जमा करते हैं, तो हमारा जो सेल्स प्राइस होगा वो कितना होगा, वो 60,000 होगा, सेल्स प्राइस 60,000 होगा। तो यानी ये कहते हैं फाइंड सेल्स प्राइस एंड जीपी, तो फिर 60 और 10, तो देखें 20 और 30 ये नहीं है, 40 एंड क्या है 10 ये भी नहीं है, 10 60 और 10 ये है, सेल्स प्राइस 60,000 है और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 10,000 है। देखें इफ़ कॉस्ट इज रुपीज 40,000, अगर कॉस्ट 40,000 है एंड जीपी ऑन सेल्स, ये कॉम्प्लिकेटेड यानी एमसीक्यूज है, इसने कॉस्ट दिया है और जीपी का जो परसेंटेज है वो सेल्स पर, यानी जो बेस है वो सेल्स पर दिया है, इज 20% अमाउंट ऑफ सेल। अब ये जो सेल है वो यानी आप कैलकुलेट कर ले, तो ये यानी हम देखें इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, यानी ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेल्स प्राइस। तो इसने जो यानी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो बेस दिया जाता है वो हम 100 लेंगे, तो जीपी ऑन सेल्स ये कितना है 20% है, तो मतलब यह है कि जब एक चीज़ हम 100 पे फरोख करते हैं, यानी जो जीपी का जो रेट होता है वो बेस हम 100 लेंगे, तो जीपी का जो रेट है वो सेल है, तो सेल हम 100 लेंगे, एक चीज़ हम 100 पे फरोख करते हैं तो इसमें हम 20 यानी कमाते हैं, तो हमारा कॉस्ट कितना आता है, ये 80 आता है,
इस तरह अब जब कॉस्ट 40,000 आया है, 40,000 कॉस्ट आया है, तो इसका सेल्स प्राइस कितना होगा, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस तरह। तो ये आएगा यानी 80x इज इक्वल टू यानी 40 लाख, इसके साथ दो जीरो लगाते हैं, तो ये भी कट करते हैं ये भी, तो डिवाइड बोथ दी साइड बाई 80, तो कितना आता है यानी अमाउंट ऑफ सेल्स ये इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं 8 पर, तो 8 5 40, 50,000 अमाउंट ऑफ सेल्स कितना आता है यानी ये 50,000 अमाउंट ऑफ सेल्स, 30,000 40,000 50,000, तो अमाउंट ऑफ सेल्स कितना आता है, ये 50,000 आता है इस तरह। फिर क्या कहता है 96, इफ इफ सेल्स प्राइस इज रुपीज 1,80,000, अगर सेल्स प्राइस 1,80,000 है एंड ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 20,000, और ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेट है वो कॉस्ट पर है, ये यहाँ पर भी कॉम्प्लिकेशन है, सेल्स प्राइस दिया है और जो जीपी का जो रेट है वो कास्ट है, तो इस तरह हम कैलकुलेशन करेंगे, तो अमाउंट ऑफ कॉस्ट यानी कितना होगा, कास्ट का अमाउंट कितना होगा है 130, 140, 150, 160, तो बिल्कुल इस तरह हम ये कैलकुलेशन भी करेंगे। तो देखें यानी यहाँ पर है कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर है सेल्स प्राइस, यहाँ पर जो जीपी का जो रेट है वो कॉस्ट पर है, तो मतलब यह है कि जब एक चीज़ का कॉस्ट भी 100 है तो इसमें हम 20 कमाते हैं, तो इसका जो सेल्स प्राइस होगा वो 120 होगा। अब इसने जो सेल्स दिया है सेल्स प्राइस है 180 है, सेल्स प्राइस यहाँ पर दिया है 180, इसको कॉस्ट कितना होगा, तो ये हम इस तरह करेंगे इस तरह, तो ये आएगा यानी 120x इज इक्वल टू यानी ये 1,80,000, 100 में ज़रब देते हैं तो यानी ये दो सिफर लगाते हैं 1,80,000 इस तरह आता है, तो दोनों साइड को 120 पे हम यानी डिवाइड करते हैं, तो जब हम ये जीरो का खत्म ये खत्म इस तरह, तो देखें कितना आता है, कितना आता है यानी दोनों साइड को 120 पे हम तकसीम करते हैं, तो 1,50,000, 1,50,000 इसका कॉस्ट प्राइस आता है, अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज 1,50,000, तो देखें यानी अमाउंट ऑफ कॉस्ट इज 130, 140, 150 और 160, तो कितना आता है ये 150 आता है 97। फिर क्या कहता है प्रोडक्ट कॉस्ट इज चार्ज टू ए प्रोडक्ट, ये कहते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट हम चार्ज करते हैं प्रोडक्ट को, यानी ये आसान है, प्रोडक्ट कॉस्ट से मुराद वो कॉस्ट वो अखराजात जो एक प्रोडक्ट के बनाने पर आते हैं, वो अखराजात वो कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट के बनाने पर आते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, तो ये जाहिर ही बात है ये हम प्रोडक्ट कॉस्ट में हम चार्ज करते हैं, तो ये ट्रू है फॉल है या नॉन है, तो प्रोडक्ट कॉस्ट हम चार्ज करते हैं प्रोडक्ट को, ये ट्रू है प्रोडक्ट कॉस्ट चार्ज टू ए प्रोडक्ट।